अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में आपको विज़िट करवा रही हूँ F6 मरकज का, जिसे सुपरमार्केट भी कहा जाता है। स्टार्ट ले रही हूँ टेटो से। टेटो कैफ़े मेनली फेमस है इटालियन डिशेस के लिए। आजकल इनका कोई इफ्तार डिनर बुफे भी चल रहा है। उसके साथ आगे है द कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, जिनकी टैग लाइन है कि बॉर्न इन कैलिफोर्निया नाउ इन पाकिस्तान। 1963 में ये अमेरिका में फाउंड किया गया था इस चेन को, कैलिफोर्निया में, और अब यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। अच्छा, आपको बताया था मैंने क्रस्टीज डोनट्स का F10 में शॉप है, यहाँ पे भी खुली हुई है। और इसके साथ है ये लूलू सर ऊपर है, नीचे कीको मिलानो, बहुत अच्छा ब्रांड है मेकअप का। इसके साथ एक कैफ़े है और फिर उसके बाद आगे शेल का पेट्रोल पंप है। थोड़ा सा आगे आके जो लाइट्स अंदर को आपको नज़र आ रही हैं, लाइटिंग हुई हुई है। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है जिसमें क्वेटा टी की शॉप है और कुछ थोड़ी सी और हैं। और फ्रंट पे ब्रॉडवे पिज़्ज़ा, और ब्रॉडवे पिज़्ज़ा के साथ बस थोड़ा सा आगे जाके फिर एक मार्केट अंदर को टर्न हो रही है, मंचीज़ क्रॉस करते साथ ही। मंचीज़ किस लिए फेमस है? मेनली इस पर जो स्नैक्स होते हैं ना, जूसेज एंड स्नैक्स वगैरह, उसके लिए फेमस है। क्वेटा चाय मेपल, फिर ये एक बड़ी फेमस शॉप है कारपेट्स की, इनका एक आउटलेट F7 में भी आपने देखा था, बैक साइड वाली मार्केट में था। और आगे सारे जो है ना क्लोदिंग ब्रांड्स आ जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि चारकोल वगैरह और जीन और जे डॉट, ये सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि बस अब चांद रात वाले जो स्टॉल्स हैं ना, वो लग चुके हुए हैं। और अभी टर्न करते साथ ही आपको नज़र आएंगे कि लोगों ने स्टॉल्स लगा लिए हैं और उस पर बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी वगैरह अवेलेबल है। और चांद रात पे भी इंशाल्लाह ये देखें स्टॉल्स हैं सारे। और चांद रात पे इंशाल्लाह ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी कि चांद रात वाइब्स जो है ना, वो इस्लामाबाद में कैसी हैं। पूरी रात ऑलमोस्ट ना चांद रात पे यहाँ पे लोग बाहर ही होते हैं, इंजॉय करते हैं। और छोटे शहरों में वो चीज़ नहीं होती ना चांद रात पे वो मज़ा होता है, ना वो लाइफ होती है। लेकिन ये इस्लामाबाद जो है ना, ये फेमस है। कराची और इस्लामाबाद, लाहौर में तो फिर चांद रात की बात ही अलग है। चलें शॉप्स की तरफ आते हैं। स्टाइलो है, उसके रेड एप्पल आपको याद होगा, F10 में इसकी एक ब्रांच है। बारबेक्यू पराठा रोल्स और डिफरेंट जो स्नैक आइटम्स हैं उनके लिए फेमस हैं ये। रेड एप्पल को क्रॉस करते साथ ही बलूचिस्तान ड्राई फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स के, डिफरेंट मरकज़ के अंदर ये शॉप मौजूद है, इनके ये ब्रांचेस मौजूद है। महाराजा भी F7 में, आपने देखे लोकल कपड़ों की शॉप्स हैं सारी, चाइना शॉप है। और ये है जी आर्ट गैलरी, फिर हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप है। और ये देखें गेंद चांद रात के स्टॉल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वहाँ से टर्न होते ही आगे ज्वेलर्स लाइन में, और ज्वेलरी शॉप्स जो है ना, मैंने आपको दिखाई थी कि पूरी मार्केट थी F7 में, लेकिन F6 के अंदर भी है, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी ख़रीदने का ट्रेंड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। फौजी वॉच, फिर क्वेटा रॉयल्टी। क्वेटा टी का ट्रेंड तो पूरे पाकिस्तान में ही आजकल बहुत ही ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ टाइम से। मिस्टर फूड और मिस्टर फूड के साथ अमेरिकन स्टेक हाउस। F6 मरकज़ में खाने पीने के आउटलेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे ट्राई होने वाले हैं, मस्ट ट्राई होने वाले हैं। और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ट्राई करने का इरादा भी रखती हूँ, और जब कभी ट्राई करूँगी तो शेयर भी ज़रूर करूँगी। देखिए कितनी खूबसूरत एक डिज़ाइनर शॉप है, आदाब नाम है क्लोदिंग की ये शॉप है, और डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत की हुई है। मैं विज़िट नहीं किया, अंदर नहीं की ना मैंने देखा, लेकिन डेफिनेटली इनके रेट्स जो हैं वो इनकी डिज़ाइनिंग के हिसाब के होंगे। ज़ुबैदा, हबीब मेट्रो, और फिर ये हारूनस ज्वेलर्स कारपेट्स की शॉप। और ये देखे ना, ये जो पिंक कलर में किसी ने डिज़ाइन किया हुआ है ना, MN, यानी एमन नाम होगा, लेकिन उसको एक बस स्टाइलिश स्टाइलिश वाइब देने के लिए इन्होंने ये नाम इस तरीके से स्प्लिट करके लिखा है। और उसको देखें ग्लिटर्स के साथ और पिंक कलर के साथ इसको डिज़ाइन किया है, और इतना ये प्यारा लगता है।
ये कैफ़े है ये, और एमन कैफ़े, ये बेसिकली फेमस किस चीज़ के लिए है कि इनके पास मेनली ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं, हाई टी प्लेटर्स हैं और सारा फैंसी फूड है, यानी क्रेप्स, पैनकेक्स, फ्रेंच टोस्ट, सिमिलरली कपकेक्स, केक स्लाइसेस, हाई टी प्लेटर्स, ये चीज़ें इनके पास एमन कैफ़े पे। और ये भी एक मस्ट ट्राई जगह है, और ये डेफिनेटली फ्यूचर में मैं ट्राई करने का इरादा रखती हूँ। आगे लाइन में आपने देख लें जी ये फार्मेसी की शॉप्स। तो शाहीन और डी वॉटसन को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट जो मार्केट है इसके अंदर है जी अल रिहाब डिपार्टमेंटल स्टोर। टर्न करते साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा अल रिहाब डिपार्टमेंटल स्टोर है, ऊपर और नीचे है यूनाइटेड बेकरी। तो यूनाइटेड बेकरी का जो शुमार है ना वो इस्लामाबाद में अच्छी बेकरीज के अंदर होता है। यूनाइटेड बेकरी के साथ नेक्स्ट है शम्स, होम टू अ कॉनसर विच मीन्स होम टू एन एक्सपर्ट, और आगे महफिल चाय, शिनेर, मिनी माइनर्स, फिर केएफसी। केएफसी की ये जो ब्रांच है बहुत अच्छी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस ब्रांच के साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा है। आगे देखें विलेज आर्ट गैलरी, और फिर लाइन में कारपेट्स की और हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं। सारे नाम देख लें, टेंटी, इंडस आर्ट गैलरी, एल्टीट्यूड, मेहरान, ये सब हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं, और यहाँ पे बिला शुबा बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप के बाद वन शॉप, वही टॉय शॉप जो मैंने आपको F10 वाली वीडियो में भी दिखाई थी, एक ब्रांच उसकी वहाँ थी। बाहर निकलते साथ ही लेफ्ट पे फुटबॉल ग्राउंड है जो बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है, और मुझे पर्सनली ये ग्राउंड जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, और जब भी मैं इधर आती हूँ बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चों को खेलते देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। अभी जा रही हूँ बैक साइड की तरफ, मार्केट की बैक साइड है उसकी तरफ, और ये स्टार्ट मी लाइट्स देखने लगी हुई हैं। कैफ़े बिबलियो फेमस है अपने इटालियन फूड के लिए, और भी डिफरेंट तरह का फूड अवेलेबल है। आजकल इनका कोई इफ्तार डिनर बूफे भी चल रहा है 4000 प्लस टैक्स में, और ट्राई करने वाला है। तो कैफ़े बिबलियो को क्रॉस करते साथ ही थोड़ा आगे आएंगे ना तो आपको ये इतने खूबसूरत लैंटर्न्स नज़र आएंगे, ये देखें दरख्त के साथ लटके हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये स्ट्रीट बर्गर का आउटलेट है और बहुत फेमस बर्गर्स हैं इनके। आगे है जी टोटल पार्को, टोटल का पंप, और टोटल का जो पंप है वो क्रॉस करते साथ ही आगे आ रही है एक मार्केट जिसकी तरफ मैं भी टर्न करूँगी। तो इस वाली मार्केट में ना टर्न करते साथ ही फ्रंट पे आपको रेस्टोरेंट जो नज़र आ रहा है कार्निवोर बेक्ड मीट के नाम से, ये रेस्टोरेंट अभी खुला है और ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट एक काफ गेन एक फूड आउटलेट है, उसके साथ फिर थोड़ा आगे जाके स्टर फ्राई किचन है। स्टर फ्राई किचन के साथ एक और लास्ट एक आउटलेट है फूड का जिसका नाम मुझे उस टाइम भी नहीं सही से नज़र आया था। ये जितने भी आउटलेट्स हैं ना F6 में जितने भी हैं मेनली सारे ट्राई होने वाले हैं, सबके बहुत अच्छे मेन्यूज़ हैं, अच्छे रिव्यूज़ हैं, और डिफरेंट तरह का फूड है ना, इटालियन हो गया, देसी, तो यहाँ पे कम ही आपको मिलेगा। मेनली फैंसी फूड की जो है ना शॉप्स हैं, वजह उसकी क्या है क्योंकि F6 बेसिकली सेक्टर, अगर आप कहें कि सेक्टर ऑफ द रिच है तो ये बात गलत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये शॉप्स फिर चलती भी हैं, लोग आते हैं, उनको फैंसी ब्रेकफास्ट चाहिए, फैंसी डिनर चाहिए इंग्लिश स्टाइल का, तो उनकी हाई टी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी यहाँ से, और थोड़े एक्सपेंसिव हैं डेफिनेटली, लेकिन खाना मुझे लगता है कि सबका अच्छा होगा। तो सारी मैं स्टेप वाइज जो है ना इसको ट्राई करने का इरादा रखती हूँ, मगर किसी को इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इस पूरी मार्केट के अंदर आपने देखा हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स थी मेनली, फिर बाटा, और बाटा के साथ अभी टर्न होते साथ ही एक शॉप है पोलो रोजी, आई थिंक ये इटालियन शू ब्रांड है, और इसके साथ एक फार्मेसी के साथ फिर हश पपीज़ है।
और हश पपीस के साथ जो ये वाला आउटलेट है, ये है हनीफ ज्वेलरी एंड वॉचेस, और ये बेइंतहा खूबसूरत शॉप थी। इतना प्यारा एम्बियंस क्रिएट किया हुआ था इन्होंने लाइट्स के साथ। अंदर तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन ये बाहर से ही देख के ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। 1978 से ये शॉप इसी जगह पे मौजूद है और ज्वेलरी और वॉचेस लोग इनसे ख़रीद रहे हैं। आगे ईट स्ट्रीट है, और ईट स्ट्रीट के साथ द स्मोकी कॉल्ड्रन। स्मोकी कॉल्ड्रन जो है ना, ये मस्ट ट्राई करूँगी कभी जल्दी। ये डिस्ट्रिक्ट 6 इटालियन लग रहा है मुझे, ये फूड आउटलेट है। कुछ बैंक्स की ब्रांचेस के साथ फिर आगे ये हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स हैं अगेन लाइन में, और उसके बाद है सेकंड कप कॉफ़ी कंपनी। और देख लें F6 में जो कॉफ़ी शॉप्स हैं ना या कैफ़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे ट्रेंड जो है ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पीने का वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड कप के साथ एंडियोर मिस्टर बुक्स, और आगे नैंडोज़ का आउटलेट। डिनर मैंने नैंडोज से किया था। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था नैंडोज़ पे। मैंने इससे पहले कभी भी नैंडोज़ को ट्राई नहीं किया। आपके साथ शेयर करूँगी ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। थोड़ा सा आगे आके जी कासपास डेजर्ट्स, वुड फायर्ड स्टेक, और इनकी जो इनके वॉफल्स और आइसक्रीम हैं बहुत अच्छी हैं। मैंने ट्राई किया हुआ है इसको, और आप लोगों को भी कहूँगी कि मस्ट ट्राई, जगह ज़रूर है ये। उसके बाद आगे बास्किन रॉबिन्स है, और बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम का तो सबको पता है कितनी अच्छी होती है, टेस्ट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। बास्किन रॉबिन्स के साथ आगे है रोस्टर्स, और ये मैंने ट्राई किया हुआ है। इसके बर्गर्स अच्छे हैं, चिकन आला की भी ट्राई की थी, वो भी बड़े मज़े की थी। और उससे आगे फिर वो मैंडरिन किचन भी है साइड पे, ट्राई नहीं किया हुआ, करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था सारा टूर F6 का। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।